पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में शिक्षकों की LTA प्रवक्ताओं की भर्ती लगभग 890 के करीब या 50 के करीब पोस्ट रखी हुई थी और जिसमें शासकीय स्कूलों की भर्ती थी जिसमें रोक लगी हुई थी। फाइनली अब यहाँ पर रोक खुलने वाली है, नियुक्ति प्रक्रिया आपकी फिर से शुरू हो रही है। इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रखी, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी के बारे में। बात करते हैं योग्यता पर आपके यहाँ पर उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों की भर्ती के रिगार्डिंग, तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में जो LTA प्रवक्ता की लगभग 800 से ज़्यादा पद थे जिसमें यहाँ पर रुकी हुई थी और अब उन रुकी पदों की भर्ती फिर से लगने वाली है, खुलने वाली है। इस पर यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों की भर्ती पर जो लगी रोक थी वो हटेगी और नियुक्ति में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत, उसके बाद विभाग ने ली थी, यहाँ पर रोक लिया था और सरकार सीधे सीधे पारदर्शी तरीके से करने वाली थी भर्ती, लेकिन इस साल भी पारदर्शी तरीके से शायद मुश्किल हो जाएगा। अब भर्तियों के मंजरी उसी प्रोसेस से होगा जिस प्रोसेस से आपकी भर्तियां आई हुई थी। 800 से ज़्यादा पद थे इसमें और कई लोगों के नियुक्तियां हो चुकी थी, कई लोगों के विज्ञापन आ चुके थे, कई लोगों के विज्ञापन आने बाकी हुए थे और यहाँ पर शासकीय स्कूलों में जो है अब फिर से भर्ती जो है रोक हट जाएगी, जिसमें शिक्षकों और प्रधानाचार्य के पदों पर जो है वो चल रही थी नियुक्ति प्रक्रिया और गड़बड़ी की शिकायत के मामले में जो है शिक्षा निदेशक जो इनके मुताबिक जो है भर्ती पर रोक लग हटाकर जो है छात्र संख्या के आधार पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ऐसा बताया गया है। और शासकीय स्कूल में जहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू से जो है विवादों में रही है, तो शुरू से ही विवादों में रही है। बीच में खबर आ रखी थी आपके आयोग बनाया जाएगा, उसका भी विरोध किया गया है। अभी फिलहाल जो है आयोग पर अभी कोई चर्चा नहीं है, निर्णय नहीं लिया गया है और सरकार भर्ती के लिए नहीं तलाश पाई पारदर्शी विकल्प। तो यहाँ पर देख सकते हैं अशासकीय स्कूलों में जो है विभिन्न पदों के लिए होने वाली जो भर्ती थी समय समय पर घपले की बात सामने आ रखी है, सरकार इन घपलों को अभी तक जो है रोक नहीं पाई है। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की भी भर्ती पर लगी रोक हटी, तो यहाँ पर इन पर रोक हटाई जाएगी और स्कूल में जो है अब छात्र संख्या के आधार पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो छात्र संख्या होगी उसी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया करी जाएगी। इसके अलावा जो है प्रतिवादन जो है 250 रुपये के हिसाब से जो है शिक्षकों के को यहाँ पर जो है रखने पर विचार किया जा रहा है। इनके अशासकीय में भी अब 250 रुपये के हिसाब से रखने की बात करती करा यहाँ पर 250 रुपये प्रतिवादन के हिसाब से रखने की बात भी चर्चा चली हुई है। तो नया चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है आगामी भर्तियों में, जिसमें 250 रुपये के माध्यम से आपको रखा जा सकता है प्रतिवादन के हिसाब से, ऐसा भी चर्चा में आया हुआ है। आज देख सकते हैं ये अपडेट है। बाकी रोक आपकी जो लगी हुई थी वो जल्द हट जाएगी, उसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।